सो हेलो गाइस, दिस इज़ मानव राय एंड इस वीडियो के अंदर बात करने वाला है गूगल कैमरा मेगा कलेक्शन के बारे में, जी कैम मेगा कलेक्शन। सो मेरे चैनल के ऊपर एक सीरीज चलता है दोस्तों, जिसके अंदर हम सभी डिवाइस के लिए गूगल कैमरा को अवेलेबल करने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसके बारे में बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आसूस डिवाइस के लिए, सैमसंग डिवाइस के लिए, अपना हॉनर डिवाइस के लिए, अपना रेडमी के लिए है, रियलमी के लिए है। सो इस वीडियो के अंदर हम गूगल कैमरा के बारे में थोड़ा सा बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है दोस्तों रियलमी C2। सो इस पर्टिकुलर डिवाइस के अंदर दोस्तों गूगल कैमरा अवेलेबल हो गया है। और ये हमारा है पोको F1, इसके अंदर भी दोस्तों गूगल कैमरा अवेलेबल हो गया है। सो अगर आप सेपरेट वीडियो देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, मेरे चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा। ये दोस्तों आपका गूगल कैमरा है, जैसे देख पा रहे हो। सो फर्स्ट क्लास यहाँ पर गूगल कैमरा काम कर रहा है दोस्तों पोको फोन के अंदर। कैमरा 2 पे ऑलरेडी एनेबल आता है। और उसके बाद ये आ गया दोस्तों रियलमी C2, इसके अंदर मैंने 2 GCam को इंस्टॉल किया है रियलमी C2 के अंदर। और यहाँ पर देखो दोस्तों फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आ रही है रियलमी C2 के अंदर, गूगल कैमरा के अंदर। और ये हमारे पास है दोस्तों आपका रेडमी नोट 7S, इसके भी अंदर हमने गूगल कैमरा इंस्टॉल किया है। और यहाँ पर गूगल कैमरा फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये रहा हमारा प्यारा Redmi 4A। हाँ जी दोस्तों, Redmi 4A के अंदर हमने गूगल कैमरा इंस्टॉल कर लिया है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सो इसके अंदर हमने 2 गूगल कैमरा को इंस्टॉल किया है। और GCam 6.3, एक्चुअली ये दोस्तों जो GCam है ये Pixel 4 से पोर्ट किया गया है। और ये देखो दोस्तों फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो हमारे पास दोस्तों जितने भी गूगल डिवाइस है सारे के अंदर दोस्तों हमने गूगल कैमरा को इंस्टॉल किया है, GCam को इंस्टॉल किया है। और ये वीडियो का बनाने का मकसद यही है दोस्तों, मोस्टली जो जितने भी नया डिवाइस है दोस्तों, इवन पुराना डिवाइस भी है जो कि स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के अंदर रनिंग करता है, वो दोस्तों GCam को सपोर्ट करता है। ये जो फ़ोन है दोस्तों बहुत पुराना फ़ोन है, Redmi 4A, फिर भी इसके अंदर GCam फर्स्ट क्लास काम करता है। जो रियलमी C2 है दोस्तों, इसका प्राइस है 6K, फिर भी दोस्तों इसके अंदर GCam काम करता है। ये जो फ़ोन है दोस्तों रेडमी नोट 7S, इसके अंदर 48 मेगापिक्सल की कैमरा है। और ये दोस्तों 2019 का डिवाइस है, इसके अंदर भी गूगल कैमरा फर्स्ट क्लास काम करता है। ये जो दोस्तों तीनों डिवाइस है इसके अंदर ऑलरेडी कैमरा 2 पे एनेबल होके आता है, पर जो रेडमी 4A है इसके अंदर कैमरा 2 पे एनेबल नहीं हो एनेबल होके नहीं आता है। रेडमी 4A के अंदर आपको अलग से कैमरा 2 पे को एनेबल करना पड़ता है। जो पोको फोन है दोस्तों 2018 का फ्लैगशिप आप कह सकते हो, फ्लैगशिप प्रोसेसर आप कह सकते हो इसके अंदर है। सो पोको फोन भी गूगल का जो कैमरा है उसे सपोर्ट करता है। तो ओवरऑल दोस्तों अगर आपके डिवाइस के ऊपर GCam काम नहीं कर रहा है तो आप डिफरेंट GCam को ट्राई कीजिए। मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, तो उस वीडियो को आप चेकआउट कर लेना। मेरे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में जाके GCam करके एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाके आप वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। मैं आशा कर रहा हूँ दोस्तों ये वीडियो को पसंद होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना। छोटा सा वीडियो था आपके लिए मैं बना दिया, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।